हेलो एवरीवन, वी आर सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द एक्यूटिव एग्जामिनेशन। सो ये क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछा गया है। सो दिस इज आस्किंग कि कंप्यूट द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर। ये एक सीएफजी गिवन है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में फोर टपल्स होते हैं। तो इन फोर टपल्स में एस इज डिनोटिंग द स्टार्ट सिंबल, ए एंड बी आर डिनोटिंग द टर्मिनल्स, पी इज डिनोटिंग द प्रोडक्शंस, एस इज डिनोटिंग द वेरिएबल टर्म। सो नाउ वी हैव प्रोडक्शन ऑफ काइंड एस प्रोड्यूसेस डबल एस। इसका मीनिंग क्या है कि ये दो सिंबल जनरेट करेगा, एक एस और एक एस। देन इट इज आस्किंग दैट इट विल जनरेट एस प्रोड्यूसेस ए बी और इट विल प्रोड्यूस एस प्रोड्यूसेस बी ए बी। तो अगर ये ए बी जनरेट करता है तो ए और बी की संख्या सेम है। सिमिलरली अगर ये बी ए जनरेट करता है तो भी बी और ए की संख्या सेम है। इसका मतलब कि ये जो तो ग्रामर है, इस ग्रामर से जो स्ट्रिंग जनरेट होगी उसमें नंबर ऑफ एज और नंबर बी इक्वल होगी। एक डिराइवेशन करके देख लेते हैं। सो एस प्रोड्यूसेस एस एस, इस वाले एस से ए बी जनरेट करा देते हैं और इस वाले एस से बी ए जनरेट करा देते हैं। सो द स्ट्रिंग विच इज गेटिंग जनरेटेड बाई दिस इज ए डबल बी ए। इट मीन्स द नंबर ऑफ एज इन दिस स्ट्रिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज। सिमिलरली अगर हम एक और डिराइवेशन करें एस प्रोड्यूसेस एस एस, और पहले वाले एस से हम डिराइव करा दें बी ए, और दूसरे वाले एस से अगर हम डिराइव करा दें ए बी, सो दिस इज बी डबल ए बी। दिस इज ऑल्सो टेलिंग यू द नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। एक और अगर डेरिवेशन छोटा सा देखें कि एस प्रोड्यूसेस एस एस, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, क्योंकि एस से एप्सिलॉन भी जनरेट किया जा सकता है। तो दूसरा वाला एस है उससे हम ए बी जनरेट करा सकते हैं या बी ए जनरेट करा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इससे स्ट्रिंग जो जनरेट हुई वो है ए बी। एक और डेरिवेशन अगर देखें तो एस प्रोड्यूसेस एस एस, अगर हम दोनों एस से एप्सिलॉन जनरेट करा दें तो ये जो स्ट्रिंग इससे जनरेट होगी दैट विल बी एप्सिलॉन। सो जो लैंग्वेज है उसमें स्ट्रिंग्स कौन कौन सी आई, एप्सिलॉन भी आया, ए बी आया, ए डबल बी ए आया, या बी डबल ए बी आया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इससे इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट होगी। इसमें नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। और यहाँ पे ऐसा भी कहा जा सकता है कि एज की संख्या जीरो हो सकती है और बी की संख्या भी जीरो हो सकती है। इसका मतलब कि इट इज जनरेटिंग अ लैंग्वेज इन विच द नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, बट द नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बी कैन बी जीरो ऑल्सो। तो इसको आपको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या फिर एक छोटा सा डिनोशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि द लैंग्वेज इज जनरेटिंग द स्ट्रिंग वेयर स्ट्रिंग इज द एलिमेंट ऑफ ए बी स्टार और ए बी क्लोजर, वेयर नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू। So this is the language generated by the given grammar. Thanks for watching this video. We will take more examples.